डालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 500 ग्राम के करीब आटा लिया है। यहाँ पे मैंने गेहूं का आटे का इस्तेमाल किया है। उसके बाद 1 टेबलस्पून या स्वाद अनुसार नमक। देन उसके बाद हम इसमें डालेंगे कलौंजी और अजवाइन। यहाँ 1 टेबलस्पून बड़ी टेबलस्पून से, इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है कलौंजी से। उसके बाद बारीक कटी हुई प्याज, और प्याज को आप बारीक ही काटें क्योंकि अगर मोटी मोटी होगी तो ये बेलते समय फट जाएगी। फिर मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाला है बारीक कट करके। उसके बाद 2 से 3 टेबलस्पून घी, आप चाहे तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे पहले अच्छे तरीके से मिला लेंगे, जो भी हमने अनियन मिर्च और नमक वगैरह डाला है उस सबको अच्छे से पहले सूखे में मिला लेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं या आप हरी मिर्च या तीखा नहीं खाते हैं तो आप इसमें ना डालें। अगर आप थोड़ा भी तीखा खाते हैं तो इसमें बारीक कट करके डालें, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। फिर अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालकर एक, जैसे हम लोग पराठा का डो रेडी करते हैं बिल्कुल वैसा ही डो हमें रेडी करना है। हमारा ये डो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और रेडी होने के बाद बस इसे 5 मिनट के लिए हम लोग रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम तवा को गर्म कर लेंगे। 5 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी रेस्ट करने के लिए इसकी कोई दरकार नहीं है। अब हम इसकी, 5 मिनट हो चुका है, अब हम इसकी एक लोई कट कर लेंगे और उसके बाद अब हम इसे एक बेल लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लिया है, उसके बाद इसे बेल लिया है। सूखा आटा से क्या होगा कि ये चिपके नहीं, ये चिपकेगा नहीं। प्याज है तो इसमें थोड़ा चिपकने का भी चांसेस रहता है, तो आप सूखा आटा लगा के ही इसे बेलें। और आप देखिएगा कि अगर आप थोड़ा पतला बेलिएगा तो ये थोड़ा फट भी सकता है, तो आप घबराए नहीं, ये इसके साथ भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हमारा जो ये पराठा वो रेडी हो चुका है, अब हम इसे अच्छे तरीके से सेक लेंगे। तो मैंने यहाँ पे गर्म ऑलरेडी तवा को गर्म कर रखा था, उसके बाद इसमें डाल दिया। पलट कर हम इसमें घी लगा लेंगे। अगेन अगर आपको घी नहीं लगाना चाहते तो आप इसमें रिफाइन ऑयल भी या कोई भी ऑयल इसमें लगा सकते हैं। तो दोनों तरफ से हम अच्छे तरीके से सेक लेंगे घी लगाकर। यहाँ पे पराठा को ना ज़्यादा मैंने मोटा रखा था और ना ज़्यादा पतला रखा था, और यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से दोनों तरफ से सेक लिया है। और ये हमारा प्याज का पराठा रेडी हो चुका है। आप इसे कभी भी खा सकते हैं किसी भी चटनी दही के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अचार के साथ तो और भी अच्छी लगती है। हेल्दी और इंस्टेंट टिफ़िन रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में। तो सबसे पहले उसके लिए मैंने यहाँ पे पैन को गरम किया है और उसमें तेल को ग्रीस कर लिया है। आप यहाँ पे घी भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ब्रेड को छोटे छोटे कट कर लिए हैं और यहाँ पे मैं यहाँ पे सेक लूँगी इसे अच्छे तरीके से। तो ज़्यादा नहीं, 20 से 30 सेकेंड हाई फ्लेम पे ये तुरंत लाल हो जाता है। इसे हम पलट लेंगे और दोनों तरफ से सेक लेंगे। आप चाहे तो ब्रेड को कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोग को फ्राई पसंद होता है और बहुत लोग को कच्चा पसंद होता है, तो आपको जैसा पसंद है आप उस तरीके से भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्रेड सेक चुका है, मैंने यहाँ गैस से उतार लिया। उसके बाद सेम पैन में मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून तेल लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बटर का भी। उसके बाद करी पत्ता 5 से 6, उसके बाद बारीक कट किए हुए अनियन। यहाँ पे प्याज को सौते कर लेंगे, सबको बारीक कट करना है। यहाँ पे जितनी भी वेजिटेबल्स लेंगे हम लोग वो सबको बारीक कट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने मटर डाले हैं, तो यहाँ पे ये वाले जो मटर है वो फ्रोज़न है। अगर आपके वो वाले मटर है ओरिजिनल, तो आप क्या करें कि पहले मटर फ्राई कर दें हल्का, उसके बाद सारी सब्जियों को फ्राई करें। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला है बॉयल किए हुए आलू, उसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। और सबको यहाँ पे सौते कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे ज़्यादा सब्जियों को नहीं पकाना, बस 1 मिनट तक। और आप चाहे तो इसमें और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गाजर, फ्रेंच बीन, शिमला मिर्च। तो आप अपने टेस्ट, अपने बच्चों के टेस्ट अकॉर्डिंग भी इसमें सब्जी ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाला था और नमक को सब्जियों के साथ मिला लिया। फिर लास्ट में हम इसमें टमाटर डालेंगे, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। सभी सब्जियों को मिला लेंगे हम लोग एक दूसरे के अच्छे से, और उसके बाद इसमें सभी मसालों को डालेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा मसाला का यूज़ नहीं किया मैंने, बस
1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, थोड़ी सी पिंच ऑफ लाल मिर्च पाउडर। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप मिर्ची, मैंने स्टार्टिंग में भी मिर्ची नहीं डाला है था और अभी भी बहुत थोड़ा सा ही मिर्ची डाला है, और सबको अच्छे से यहाँ पे मसालों को सब्जियों के साथ मिला लेंगे। और फिर उसके बाद अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे 1 टेबलस्पून भुनी हुई जीरा पाउडर, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अगर आपके पास भुनी हुई जीरा पाउडर है तो आप ज़रूर डालें इसमें। फिर लास्ट में हम लोग इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून टमाटो केचप, और उसके बाद जो हमने ब्रेड को सौते किया था इसमें डालकर सब्जियों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे हमने ब्रेड को मिला लिया सब्जियों और मसालों के साथ। आप चाहे तो इसमें और भी सब्जी ऐड करके और भी हेल्दी बना सकते हैं, और ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी होती है। लास्ट में इसमें धनिया की पत्ती से गार्निश कर देंगे, गैस को ऑफ कर देंगे और इसे मिला लेंगे। और ये बच्चों के टिफ़िन के लिए तो और भी मज़ेदार है, प्लस ये बहुत ही कम टाइम में बनकर रेडी हो जाती है। आप चाहे तो वो ब्रेड वाला जो सेकने वाला है वो स्किप कर सकते हैं। और इसके ऊपर अब हम लोग लास्ट में डालेंगे सेव, इसे क्या होता है क्रिस्पीपन आता है, और इसे फिर एक बार मिला लेंगे। और अब हम लोग इसे टिफ़िन में निकाल लेंगे, और इसे आपको इसके साथ कोई भी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी टोमेटो केचप डाला, नमकीन वगैरह सब कुछ। आप चाहे तो फ्रूट्स बस दे सकते हैं, सॉस वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी इसमें। और ये हमारा जो टिफ़िन है वो रेडी हो चुका है, ऊपर से थोड़ा सा सेव डाल देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर। यहाँ पे एक बाउल लेंगे, उसमें हम लोग 2 से 3 कटोरी सूजी डालेंगे यानी कि रवा, और यहाँ पे बारीक वाला सूजी इस्तेमाल करना है। उसमें 1/2 कप हम लोग पानी डालेंगे और इस तरीके से घोल रेडी कर लेंगे। उसके बाद 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि सूजी जो है वो पानी सोखती है, तो इसीलिए जितना एक्सेस वाटर वो सोख लेगी। उसके बाद अब हम लोग इसमें सभी सब्जियों को डालेंगे। यहाँ पे हम लोग सब्जियों में लेंगे बारीक कट किया हुआ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्च और फ्रेंच बीन। तो सभी को यहाँ पे बारीक कट करके डालना है। उसके बाद हम यहाँ पे बारीक कट किया हुआ पत्ता गोभी लेंगे। आप चाहे तो इसमें और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, लाइक बारीक कट करके पालक या फिर गाजर, बीट रूट, जितनी भी हेल्दी सब्जी है सबको, लेकिन आप याद रखें बारीक कट करके ही डालें, तभी ये क्या होता है वो अप्पे में अच्छे से बनता है। उसके बाद हम लोग स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और सबको अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो आप पैन में भी इसे बना सकते हैं चीला के तरह। तो छोटा छोटा आप अगर टिफ़िन में दे रहे हैं तो छोटा छोटा आप इसे चीला की तरह बना लें और फिर इसे सर्व करें। फिर यहाँ पे हम लोग तड़का इसमें डालेंगे जो कि करी पत्ता का होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सॉस पैन गरम किया है, उसमें थोड़ा सा तेल डाला है, उसके बाद 1 से 2 टेबलस्पून राई और 10 से 12 करी पत्ते हैं, उसको यहाँ पे हम लोग गर्म करके इसमें डाल देंगे और सबको रवा के साथ अच्छे से मिला लेंगे। इस रेसिपी में इतनी सारी सब्जियाँ हैं कि ये बहुत ही हेल्दी है, और प्लस अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो इस इतनी सारी सब्जियाँ ऐसे तो खाएंगे नहीं, तो आप ऐसे देंगे तो वो बहुत ही इंजॉय करेंगे। अब इसका 1/2 मैंने पोर्शन निकाल लिया है, और उसमें मैंने आधा, एक पैकेट जो होता है उसका आधा पैकेट मैंने इनो डाल दिया है और उसे मिक्स कर दिया है, क्योंकि जब भी आप तवे पे इसे डालने जाएं तभी उसी में इनो डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और तुरंत गैस पे तवा या अप्पे पैन चढ़ा के इसमें तेल डालकर आप इसे डाल दें। इनो डालकर हमें इसे ज़्यादा देर नहीं रखना है, जब आप चढ़ा मतलब जब आप पकाने जाएं, डालने जाएं, तभी आप इनो डालकर इसे चलाकर अच्छे तरीके से मिलाकर फिर अप्पे या कोई भी चीला बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन को अच्छे से गर्म कर लिया, उसके बाद इसमें तेल डाला, और उसके बाद इसमें जो हम लोगों ने बैटर घोल रेडी किया था वो इसमें डाल देंगे। अब हम इसे 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे ढक करके छोड़ देंगे, और देखिए 4 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकाया है। 4 मिनट के बाद एक साइड से ये पक चुके हैं, अब हम इसे पलट देंगे। तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा मैंने पहले साइड में किया था, इसीलिए क्योंकि साइड वाले जो होते हैं वो थोड़े जल्दी गर्म नहीं होते हैं, तो इसीलिए मैंने पहले साइड में डाला उसके बाद बीच में डाला। और ये थोड़ा थोड़ा हम लोग तवा घुमा के साइड से भी पका लेंगे। एक साइड से पक चुका है तो अब मैंने दूसरे साइड से भी इसे ढक कर 3 से 4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। तो हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर, तो देखिए दोनों साइड से ये
फ्राई हो चुके हैं। अब हम लोग इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। वीडियो अच्छे लगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बाउल में एक कटोरी आटा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सब्जियाँ लेंगे। तो सब्जियों में मैंने यूज़ किया है प्याज, शिमला मिर्च, बीटरूट यानी कि चुकंदर, फ्रेंच बीन और हरी मिर्च दो। तो सबको बारीक कट कर लिया है। आप चाहे तो इसके जगह और सब्जियाँ ले सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी, हरे मटर। तो अगर जो भी मतलब कट करने वाली सब्जी है सबको आप बारीक कट करें। उसके बाद इसमें मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक, एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून जीरा, भुनी हुई जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून गोलकी पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर, और उसके बाद एक कप पानी डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो हरी मिर्च को आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको हरी मिर्च के अलावा मतलब वो हटा के भी स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें क्या कीजिए कि थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि गोलकी मिर्च और इसमें डाल दीजिए, एक टेबल स्पून कर दीजिए, थोड़ी आपकी स्पाइसी हो जाएगी। तो यहाँ पे धीरे धीरे पानी डालकर एक थिक सा बैटर हम लोग रेडी कर लेंगे। ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि हमने इसमें आटा यूज़ किया है, बहुत सारी वेजिटेबल्स यूज़ की हैं। आप चाहे तो इसमें पत्ता गोभी, फिर टमाटर, ये सब भी वेजिटेबल्स और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसमें इसको 5 मिनट के लिए साइड करके रख देंगे। अब हम लोग तवा को गर्म कर लेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने लोहे का तवा इस्तेमाल किया। ये तवा मेरे यहाँ काफ़ी पुराना है इसलिए आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोहे का तवा ही यूज़ किया कीजिए नॉनस्टिक के जगह, क्योंकि इससे हेल्थ बहुत ही अच्छा रहता है और नॉनस्टिक में बहुत सारी डीमेरिट्स है। तो आप कभी कभी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोहे का तवा ही यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने पैनकेक के तरह, जितने पैनकेक होते हैं उतना साइज़ में मैंने यहाँ पे बैटर को फैला लिया है, और एक साइड से हमारा जो ये चीला या पैनकेक आप बोल सकते हैं आटे का, वो रेडी हो चुका है। मैंने इसे पलट दिया। ये दूसरी साइड से भी हम लोग मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे सेक लेंगे। दोनों तरफ से सेक चुका है और हमारा ये आटे का पैनकेक जो कि बहुत ही हेल्दी है वो रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे टिफ़िन में निकाल लिया और साइड में मैंने बीटरूट का हलवा दिया है। नमकीन के साथ मीठा बहुत ही अच्छा लगता है। आप केचप की जगह इसे यूज़ कर सकते हैं। ये एक तो बहुत ही हेल्दी होती है बीटरूट, इससे हेमोग्लोबिन भी बढ़ती है। हलवा की रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं।